हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ताकि किसानों के जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। प्रदेश के किसान खुशहाल हों, इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के लिए न सिर्फ नई नई योजनाएं बना रही है, बल्कि किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। कृषि विभाग के अधिकारी भी लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब प्रगतिशील किसान नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जिन किसानों में कुछ कर गुजरने की चाह है, वो नए मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों की नौकरी छोड़कर के खेती को अपना रहा है, तो कोई सरकारी नौकरी छोड़कर खेती में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ प्रगतिशील किसान तो दूसरे जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता हो और वो खेती के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दे? कुछ ऐसा ही किया है करनाल के किसान मुकेश कुमार ने। मुकेश कुमार ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो न सिर्फ खुद खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे जरूरतमंद लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। करनाल जिले के गांव छपरियों के एक युवा किसान ने अपनी 45,000 रुपए महीने की सरकारी नौकरी छोड़कर नेट हाउस की खेती की। किसान ने 2 साल पहले एक नेट हाउस से अपना ये काम शुरू किया और आज उसके पास 4 नेट हाउस हैं और आगे 2 और नेट हाउस लगाने के बारे में वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस काम से उन्हें काफी मुनाफा हुआ है और उसी के साथ संरक्षित खेती करके और लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। संरक्षित खेती का सबसे अधिक फायदा तो ये है कि इसमें पानी की काफी ज्यादा बचत होती है, क्योंकि इसमें पौधों की जड़ों तक ही पानी पहुँचता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। जितनी खुराक की उसे आवश्यकता होती है उतनी ही मिल जाती है। इस समय किसान के खेत में देखरेख का काम चल रहा है और तुड़ाई भी हो रही है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पहले बारीकी से जानकारी हासिल की, फिर पारंपरिक खेती से अलग हटकर खेती की, जिसके बाद उन्होंने इस अलग विधि से खेती की और अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान मुकेश का यह कहना है कि सरकार भी उन्हें 50% तक सब्सिडी दे रही है। सर, मैं पहले हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस करता था, नौकरी मेरी अच्छी थी, 40-45,000 रुपये पर महीना लेता था मैं। और सरकारी जॉब में काम करते करते मैं अपनी पुश्तैनी जमीन तो हमारे पास थी ही, तो मेरा दिल में विचार आया क्यों ना मैं भी थोड़ा पारंपरिक खेती से हट के सुरक्षित खेती या आधुनिक खेती की तरफ जाऊँ। तब मैंने सुरक्षित खेती का निर्णय लिया, मैंने एक नेट हाउस लगाया। अच्छी तो मेरे को पहले साल जब मैंने लगाया तो मेरे को काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें हुआ, ठीक है सर। तब मैंने फिर आज मेरे पास 4 नेट हाउस है, मैं 2-3 साल से इसमें ही इन्वॉल्व हूँ। अब मेरे पास कम से कम 15-20 और लेडीज काम करती हैं या फैमिली है जो मेरे पास ही रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनका भी अच्छे से गुजारा चल रहा है। मेरा रुझान पहले तो मैं इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद अपने जब मैंने नेट हाउस लगाया और मैंने अच्छा मुनाफा इसमें होया, तब मेरा रुझान इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा। और इसको देखते हुए मैंने पहले 1 लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब मेरा विचार अभी मैं 2 नेट हाउस और आगे लगाऊँ। किस तरह से आपने लगाया, कार्य किस तरह से कर रहे हैं इसमें? कार्य तो सर पहले तो आप इसका जो है, मैं इसका जो पहले तो इसके बीज की क्वालिटी जो अच्छी होगी वो ही लगाना चाहिए। और मैं किसी कंपनी का तो मैं करता नहीं हूँ भाई, इसका प्रमोशन कर रहा, मैं रिजगवान के सीड लगाता हूँ, बेस्ट क्वालिटी के ही सीड है रिजगवान के। और अब आप अच्छा सीड लगाए तो मुनाफा भी आपको अच्छा ही होगा। इसमें खाद पानी किस प्रकार देते हैं? खाद सारा एनपीके चलते हैं, ड्रिप के द्वारा चलते हैं, सूक्ष्म सिंचाई से होती है, टपक विधि से। और जितना भी खाद अपना जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से दिया जाता है डेली का। और फायदा क्या है सूक्ष्म सिंचाई का? सूक्ष्म सिंचाई का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके 80-90% आपका जल की बचत होगी। फ्लड इरिगेशन जो करते हैं उससे 80% आप जल बचा सकते हैं। अभी क्या कुछ कार्य चल रहा है? अभी तो सर फल की तुड़ाई है, अभी तो और कुछ नहीं, अभी तो मार्केट का ही देख रहे हैं। मार्केट में क्या रेट चल रहा है? मार्केट का सर अभी 15-16 के आसपास रेट चल रहा है। अगर बात की जाए आपका खर्चा कितना है और बचत कितनी हो चुकी है? जो मैंने अभी तक इस नेट हाउस पे खर्चा किया था, एक नेट हाउस मेरा लगाने के बाद जो क्रॉप पे मेरा खर्चा आता है वो 2.5-3 लाख के क्रॉप
करीब खर्चा आता है। तो मैंने अपना खर्चा कवर करके अब तक 2-2 लाख रुपए इसमें से अर्न कर लिया है खर्चा निकाल के। सब्सिडी भी मिली है कोई? सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से 65 सब्सिडी थी फर्स्ट ईयर, और अब के साल 50% थोड़ा 15% सेंटर गवर्नमेंट ने अपनी वापस ले लिया है, और अब 50% फायदा है सब्सिडी इस है। तरफ आने से? आप बिल्कुल फायदा है। मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूंगा कि आप सुरक्षित खेती की तरफ जाएं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जहां कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, तो वहीं परंपरागत खेती छोड़कर अब किसान भी प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। यमुनानगर में एक ऐसे भी किसान हैं जो अलग अलग विधि से खेती करने के लिए जाने जाते हैं और प्राकृतिक खेती को वो बढ़ावा दे रहे हैं। किसान विजय मेहता यमुनानगर के मंडोली गांव के रहने वाले हैं। प्रगतिशील किसान विजय की कोशिश रहती है कि जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे और पानी का कम से कम इस्तेमाल हो। प्रगतिशील किसान विजय का जज्बा काबिले तारीफ है। वो पिछले काफी समय से अलग तरह से खेती करते आ रही हैं। साल 1990 से 94 में विजय मेहता ने यमुनानगर में सबसे ज्यादा 25 एकड़ में सूरजमुखी की फसल उगाई है, जिसके चलते उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है। किसान विजय परंपरागत खेती से उग चुके थे। इन्होंने खेत में फसल बदली और अब साल 2014 के बाद से केले की खेती भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हल्दी, पत्ता गोभी और अब अरबी भी उन्होंने अपने खेत में लगाई है। सन 80 से इंडिविजुअल खेती कर रहा हूं मैं, और ये केला मैंने सन 14 में 3 पेड़ जो से मैंने गार्ड गिफ्टेड थे वो से काम शुरू किया। 3 से मैंने 13 बनाए, 13 से 130 बनाए, 130 से मैंने 21-2200 पेड़ के समय मेरे पास खड़े हैं। हाँ जी, और ये मेरी जो से पेड़ है ये ऑर्गेनिक है, इसमें मैं DAP के अलावा कुछ ज़्यादा कोई स्प्रे नहीं करता, कुछ नहीं डालता। और ये केला जो है खाने के काबिल है, पकाने के लिए नहीं, पकाने में नहीं पकता, पकाने पे ये बकबका सा स्वाद देता है। तो परंपरागत खेती से कैसा मुनाफा है इसमें केलों की जो खेती कर रहे हैं आप? ऐसा जी, ये चेंज ऑफ क्रॉप है सिर्फ मेरे लिए। मैं गन्ना नहीं लगा के, ये गन्ने जितना मुनाफा ले रहा हूँ तकरीबन उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। पर ये है कि मेरे लिए चेंज ऑफ क्रॉप है, क्योंकि मैं सन 80 से लेकर, वैसे जब से हमारे फोर फादर वगैरह खेती करते थे, जीरी धान और कनक वे थे, ठीक है। अब इतने साल कनक धान लगाते लगाते खेत खराब हो गए। अब चेंज ऑफ क्रॉप होने से, पहले ज़माने में बुधैड़ रखते थे, अब वो नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैंने चेंज ऑफ क्रॉप करना था, तो गन्ने को भी बुधैड़ नहीं रखते। मैंने एक नवी चीज़ सोची और ये मैंने केला लगाया, इसमें मैं हल्दी लगाता हूँ। सेकंड क्रॉप मैंने पत्ता गोभी की, वो नहीं कामयाब हुई। अब मैंने अरबी लगाई है, उसमें देखते हैं कितना कामयाब होता है। वो एक साल ही इसमें मल्टी क्रॉपर होगी, सेकंड ईयर नहीं होती। कितने एकड़ में लगाया हुआ है और एक एकड़ में कितने पेड़ लग जाते हैं? हाँ जी, एक एकड़ में 700 पेड़ के लगभग है जी। कितने में लगाया हुआ है आपने? मेरे पास इस समय 3.5 एकड़ में है जी। तो कितना खर्चा आ जाता है एक एकड़ पर करीब? लगभग लगाने में अगर मैं सारी कास्ट करूँ तो 1 लाख रुपये के लगभग आ जाता है, क्योंकि देसी खाद की कीमत बहुत बढ़ती है। मुनाफा कितना हो जाता है करीब? हाँ जी, मुनाफा बता तो दिया मैंने कि भाई कोई ज़्यादा नहीं है। कोई ये है कि मुझे ज़्यादातर, मेरा ज़्यादा शौक है चेंज ऑफ क्रॉप का और नाम कमाने का, कुछ एक्स्ट्रा करने का। सन 94 में, 90 से लेकर 94 में सूर्यमुखी लगाई थी। जब इस इलाके में आज तक किसी ने 25 एकड़ सूर्यमुखी नहीं लगाई पूरे इलाके में, ये डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में जगाधरी में ये मैंने ही लगाई। और मैंने वार्ड मीटर किया, मुझे मशीन थ्रेशर मशीन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी और अवार्ड मिला मुझे, और कमिश्नर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, वो सारे यहाँ पर मौजूद हुए थे। यहाँ पर मेला लगा था इफको वाला ने, और उसमें मेरा सारा था। मैं ये कह सकता हूँ यमुनानगर छोड़, अम्बाला में, यमुनानगर में, करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में मैं अकेला हूँ। किसान विजय मेहता और मुकेश कुमार की तरह ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ऐसे किसान न सिर्फ खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं
बल्कि जल संरक्षण को लेकर के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और ऐसे प्रगतिशील किसानों की सरकार भी हर संभव मदद कर रही है, चाहे सब्सिडी देनी हो या प्रशिक्षण देना हो या फिर मशीनें उपलब्ध करवाने की बात हो। इतना ही नहीं, जो किसान बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें सरकार सम्मानित भी करती है।